हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं रॉयल स्टे कांचीपुरम में। अभी अराउंड 7:40 हुआ है। हम लोग जस्ट अभी 15-20 मिनट से यहाँ से निकलेंगे। विष्णु कांची वाला जो टेंपल देखेंगे पहले, फिर वेल्लोर का जो गोल्डन टेंपल है वो देखेंगे। यहाँ पे नाइट स्टे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सच में अच्छी जगह है। बहुत ओपन स्पेस है, वो डाइनिंग एरिया जो आप पीछे देख रहे हैं, झूले हैं 3, सच में अच्छा ऑप्शन है। कांचीपुरम में मैं स्पेशली कहूँगा बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। एक पीछे भी आप देख रहे हैं, छोटी मोटी यहाँ लगता पार्टी होती होगी। पूरा प्राइवेट विला है, मैक्सिमम 6 लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है, बढ़िया है। ये है पूरा ग्रीनरी के साथ। तो अब देखते हैं विष्णु कांची, यहाँ से जो है 5 किलोमीटर दिखा रहा है। कामाक्षी टेम्पल यहाँ से 2 किलोमीटर, और जो शिव जी का टेम्पल है वो भी पास में, ज्यादा 2 किलोमीटर, ज्यादा दूर भी नहीं है और अच्छी जगह है। चलो बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक कार्वेट दिखाता हूँ जो हम लोग ट्रिप में जनरली यूज करते हैं। देखिए देखिए कार्वेट पूरा पड़ जाता है, कोई हवा वाला नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये सिंपल है, वो अटैच हो जाता है। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ आराम से यहाँ सोते हुए आते हैं, बेटी भी। क्या उधर पिजन है देखा, इनके पास है। ओ यस, नो दैट इज नॉट पिजन, दैट इज समथिंग। हैन क्या बुला रहा है, कुकड़ू कु कर रहा है। वी विल चेक वर्ड व्हाट इज डूइंग, कम 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 कम। आप जो साउंड सुन रहे हैं, मजा आ रहा है बर्ड। और सच में अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग का व्यू अच्छा है। आप साउंड सुन सकते हैं, ये लग रहा है बिल्कुल किसी जंगल में हो। मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है, सच में जगह अच्छी है, एक आध दो दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सिटी लाइफ से दूर आराम से जस्ट रिलैक्स करना हो तो अच्छी जगह है। और साथ में यहाँ पे टेंपल्स तो हैं ही, तो कांचीपुरम में एक वन ऑफ द बेस्ट स्टे मैं कहूँगा। हाँ, खाना और वो इतना अच्छा नहीं, होम स्टे टाइप का है। कल हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर किया था तो जो होम मेड खाना था, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सिंपल प्लेन, ज़्यादा मसाले नहीं, बहुत ही अच्छा खाना था। अच्छी जगह है सच में, यहाँ पर स्टे करो, कुछ दिन रिलैक्स करो, अच्छा लगेगा। बेटू आपने यहाँ इंजॉय किया इस वाले न्यू वाले उसमें? और ये है जो डाइनिंग एरिया है, अगर आपको, हम लोगों ने तो बाहर खाया था, ये इसी डाइनिंग रूम है अपना। ये टीवी लगाया, सोफे पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हैं। हम लोगों ने तो बाहर खाया था, अच्छी हवा चल रही थी तो वहीं खाया था। अच्छी जगह है, चाय आ गई है तो चाय पीते हैं। आपको अच्छा लगा था यहाँ पे? क्या क्या अच्छा लगा था आपको बताओ? टॉयज और पिजन्स, हैन, आप बता, बोलो ऐसे नहीं। वेयर इज, और ये देखिए जो हम लोगों का कार्ड है, यहाँ पे आराम से ये नवी सो जाती है। इसमें देखो हवा वाला नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपका सामान भी आ सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जनरली इसे यूज करता हूँ। नवी आराम से यहाँ पे सो जाती, मम्मी भी सोती हुई जाती है। बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, देखिए सामान पैक बस कर रहा हूँ मैं। अच्छा रहा।
और देखिए यहाँ पे काफी बार बेटू यू आर रेडी नाउ, आप देख सकते हैं बस। चलिए ठीक है, बाकी अपडेट मैं देता हूँ आपको। ये प्रॉपर्टी का तो भी मैं आपको दिखाई चुका हूँ, और जो डाइनिंग एरिया है ये थोड़ा छोटा रूम है, दो लोग आराम से, देखिए टीवी वगैरह हर उसमें, अच्छी स्टे लगा मेरे को। कांचीपुरम में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टे होगा ये, मुझे तो ऐसी जगह ज़्यादा पसंद है, खुली खुली। तो आर यू रेडी, चलो चलते हैं। रूम तो बहुत ही बड़ा है ये वाला, तो इसमें तो दो डबल बेड और लाइटिंग थी, और सामने ही जो आप देख रहे हैं झूला वगैरह लगा हुआ है। बेटी आर यू रेडी, ये यहाँ पे ड्रेसर और बाथरूम अच्छी है, अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल प्राइवेट विला, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इट्स लाइक अ योर होम। किचन भी है, अगर आपको बनाना है कुछ तो बना सकते हैं, नहीं तो जो ये देखिए ये पूरा किचन और फ्रिज माइक्रोवेव सब कुछ है इस वाले जो, और देखिए यहाँ पे ये तो दे आर ओपन, ये आउटसाइड का व्यू है रॉयल स्टे कांचीपुरम, अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ से जो मेन टेम्पल था 2 किलोमीटर, देखिए विष्णु कांची टेम्पल। थोड़ा सा गूगल मैप पर लोकेशन गड़बड़ है, सही नहीं था, हम लोग थोड़ा दूसरी जगह चले गए थे, और ये दूसरी तरफ ये लोग थोड़ा कुछ टॉय ले रहे हैं अभी, बस यहाँ के बाद हम लोग फिर बेल्लोर निकलेंगे, अभी देखते हैं अंदर कहाँ तक मोबाइल है, मैं रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा है, ये दर्शन हो गए हैं। काफी बड़ा प्रांगण है, मतलब बड़े मतलब एकदम विशाल मंदिर है, और ये अपन को जगह पता भी नहीं थी इसे को। एक द्रुमलाई वैली भी है ना, वो भी चलेंगे, उसकी तो 18 किलोमीटर की परिक्रमा है। द्रुमला तो वही ना तिरुपति में, द्रुमलाई शिव जी का जो अग्नि तत्व। अच्छा अच्छा, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु का लड़ाई हुआ था जो अग्नि वाला। ये भी 5 तत्वों में से एक है, वैसे सेवा के 5 हैं, 4 है के 5, हाँ हाँ 5 तत्व, उसकी परिक्रमा देना। ये देखिए प्रांगण सच में बहुत बड़े हैं, कांचीपुरम के जो मंदिर हैं बहुत ही बड़े बड़े टेंपल हैं, विष्णु कांची टेंपल है। अभी 9:50 हुआ है, बेटू आपको ये टॉय एक और मिला, ये भी दिलाया, आपके पास बहुत टॉय आ रहे हैं, यू आर हैप्पी। वैसे ये उतर नहीं रही थी, पापा को नहीं छोड़ रही थी टॉय। ये विष्णु कांची टेम्पल, दर्शन अच्छे से हुए हम लोगों के, बहुत ही बड़ी मूर्ति थी, थोड़ा सा प्रसाद खा रहे हैं। मंदिर देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन टेंपल का प्रांगण है, और ये मंदिर दूस
फर्स्ट मंजिल पे मैंने पहली बार देखा, मंदिर के नीचे भी एक मंदिर था तो उसके ऊपर। दर्शन सच में अच्छे से हो गए थे, वहाँ पे पूजा भी उन्होंने कर दी थी 200 में, बढ़िया नारियल वहीं पे तोड़ के अच्छे से दर्शन हुए। करीब हम लोगों को लगा 40 मिनट। अब यहाँ से बस थोड़ा सा ये प्रसाद लिया था, अंदर ही मिल रहा था, तो खाने के बाद जाएंगे अब वेल्लोर। अभी अभी हुआ है अराउंड 10:15। सच में मज़ा आ गया, अच्छे से कल भी अच्छे से दर्शन हुए थे। कल हम लोगों ने कामाक्षी टेम्पल जो 51 शक्तिपीठ में था उसका दर्शन किया था, और एक शिव जी का टेम्पल था और चित्रगुप्त जी का भी टेम्पल था। तो अगर आप अब देख सकते हैं, वो शिव जी का जो टेम्पल है वो शिव कांची टेम्पल, ये विष्णु कांची है। तो अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखे तो देख सकते हैं। कामाक्षी देवी, चलो चलो चलूंगा अभी वेल्लोर निकलेंगे थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा नाश्ता करेंगे फिर निकलते हैं वेल्लोर। मेरा तो ये प्रसाद से हो गया। कांचीपुरम से हम लोग निकल आए थे, क्योंकि जो वेल्लोर गोल्डन टेम्पल है 50 किलोमीटर रह गया है। यहाँ का रास्ता है जो थोड़ा बन रहा है, हाईवे है, कभी थोड़ा काम चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अभी 1 घंटा और लगना चाहिए गोल्डन टेम्पल के लिए। पता नहीं है वो टेम्पल ओपन होगा कि नहीं, देखते हैं वहाँ जाके। अभी 12 बजे हुए, हम लोग 1 बजे तक या 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसा बीच बीच में काफी डाइवर्जन आ रहे हैं। फ्यूचर में अच्छा रोड बन जाएगा, बैटरी ठीक है, सर्विस रोड भी काफी चौड़ी है, तो ऐसा कोई ब्रॉकर्स नहीं है। दो गद्दियां लगा ली हैं ऊपर बैठी हुई है, बंदूक नहीं है, नहीं तो निकल जाते ऊपर। वेल्लोर तो हम लोग आ गए हैं, यहाँ से पर 10-12 किलोमीटर और है वो गोल्डन टेम्पल, लगेगा 15-20 मिनट और। वेल्लोर के कुछ पहले से जो हाईवे है बहुत ही शानदार, कोई भी जो कंस्ट्रक्शन का इंप्रूव बना हुआ ना, टाइम लगा भी नहीं, मैक्सिमम मुझे लगता है 15 मिनट और लगेंगे, 10 किलोमीटर और है गोल्डन टेम्पल। सिटी के बाहर जाके ऐसा मुझे लग रहा है, अभी जो वेल्लोर तो आ चुका है, ये जो हम तिरुपति से आए थे वो वाला हाईवे नहीं है, दूसरा है, अच्छा सड़क है। बाहर गर्मी बहुत है, हाईवे बहुत ही अच्छा। अभी हुआ है 12:50, देखते हैं मंदिर, बस डाउट ये है कि बंद हो सकता है, ओपन कब होगा वो देखना होगा। बैकलॉग मेरे हिसाब से 220 किलोमीटर कुछ होगा यहाँ से, 4 या 5 घंटे लगेंगे ड्राइव टाइम। हाईवे से करीब 8 किलोमीटर इनसाइड है, हम लोग हाईवे से अंदर आ गए, 10 किलोमीटर होगा।
7 किलोमीटर रह गया, 10-15 मिनट लगे। ठीक बन गया है, वो कॉटेज है, देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। पत्रू मलाई वाला मुई लगाए फोन को सच्ची का फोन, ये बड़ी जगह है, 1 किलोमीटर जो है इसमें 80 फुट फिर उल्टा वाला मलाई का जगह है। पर पहुंचने ही वाले हैं, 4 किलोमीटर और ड्राइव तो अच्छी है। आप देखते हो ये भी पहाड़ों के बीच है, सिटी से दूर बनाया गया है। अभी छोटे छोटे यहाँ माउंटेन दिख रहे हैं, अभी तो धूप है, कल जैसे ही बारिश हो जाए जो हम लोगों को हुआ था कांचीपुरम में इवनिंग टाइम, मौसम अच्छा हो गया था। अभी तो बहुत गर्मी होगी बाहर, अभी तो काम है तो ठंडा कर लेंगे टेम्पल का बहुत तो उम्मीद है। यही वाली जगह है 83 उसी रोड पर है। देखिए पार्किंग का चार्ज है 70 रुपीज, 4 घंटे के लिए वैलिड है। यहाँ ये पार्किंग में आ गए हैं गोल्डन टेम्पल के, यहाँ पे मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है, तो अभी तो मैं कार में ही रख दूंगा, उसके बाद वापस लेके देखता हूँ जितना शूट कर पाऊंगा करूंगा। ये 70 रुपीज चार्जेस था। ये देखो कार पार्क कर दी है, तो मोबाइल रख के आता हूँ। चलिए बाकी बताता हूँ। देखिए गोल्डन टेंपल का आउटर गेट अभी हुआ है 3:15, हम लोगों को 2 आवर्स लगा पूरे दर्शन करने में, मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं थे तो मैं जमा कर गया था, और हम लोगों ने 250 रुपये का टिकट ले लिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो सोचा जल्दी दर्शन हो जाएंगे, हम 2 घंटे में फ्री भी हो गए, काफ़ी टाइम सेव हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे बेंगलोर, जो करीब 4 आवर का तो मिनिमम जर्नी ही होगा ही होगा, 4 या 5 आवर्स का, देखते हैं। आपका बेबी ने आपका आइसक्रीम लिया था टेम्पल में, आपने क्यों रन किया था? लोग कोई यहाँ पे तो दर्शन करने में लगा 2 आवर्स, लिया था सब बैंगलोर दिखा रहा है यहाँ से 210 किलोमीटर, मोस्ट प्रोबेबली 5 आवर्स लगेगा, पेपर में दिखा रहा है 10 आवर्स। तो व्यू बहुत ही प्यारा है, देखिए पहाड़ है, कैमरे में शायद मैं नहीं आ रहा होगा, पूरा एक साइड पहाड़ी बाकी सड़क पर पहाड़ी है, अच्छा तरह अच्छा व्यू लग रहा था। अभी हुआ है 4:50 और हम लोगों को तिरुपति वाले हाईवे से टच हो गए, बेंगलोर सिटी क्रॉस करने में टाइम लग गया था। यहाँ से जो बेंगलोर है 175 किलोमीटर रह गया और जो टाइम दिखा रहा है 3 आवर्स समथिंग, 2 आवर लगेंगे एक बार तो हम लोग देख लेंगे, अभी 1.5 घंटे बाद। ये वो वाला हाईवे जो हम लोग आए थे, पूरे जंगल का एरिया है, पहाड़ है, राइट स्मूथ राइट। Thank you.
टाइम हुआ है 5:50, तो यहाँ से अराउंड 1.5 आवर और लगेगा। चाय वाय पीते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बेटू क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यहाँ पर बच्चों का एक छोटा सा एक पार्क है। कुछ नहीं दिया। बेटू व्हाट आर यू ईट? रसगुल्ला नहीं खाएगा? वाला गुलाब जामुन।